कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे जिसने भी कमेंट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है, नाम पता चल जाते हैं कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है और यकीन करें मुझे वो नाम याद भी रहते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि माशाल्लाह पिछली वीडियो पे फिर भी काफ़ी कमेंट्स आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक जो लोग करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाहिर बात है उनके नाम मेरे पास मेंशन नहीं होते, मेरे पास सिर्फ जो कमेंट करते हैं ना उनके नाम मेंशन होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। चलें जी, सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए हो गया थैंक यू और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, आज क्या हुआ कि सुबह सुबह जी, वरना जब भी मैंने आलू का पराठा बनाना होता है ना तो मैं रात को ही आलू बॉयल करके रखती हूँ ज़रूर। तो खैर उन्होंने मुझे सुबह उठते ही कहा कि जी आज खाने मैंने आलू के पराठे। मैंने कहा कि जी उसमें तो लगेगा टाइम, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगा, तो बस खाने वैसे मैंने आज आलू के पराठे ही हैं ना। अच्छा, यहाँ पे हुआ था कि मैंने पहली दफ़ा कुकर में आलू फ्राई नहीं किए, बॉयल किए। उसमें तो मतलब 3 से 4 मिनट लगे, सिर्फ झटपट आलू रेडी हो गए ना। तो मैंने एक तरफ आलू बॉयल किया और दूसरी तरफ बाकी सामान तैयार किया, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा ना, इतनी जल्दी से बन गए आलू के पराठे। A few moments later. Let's go. इसके काम चेक कर लें जरा। थैंक यू लिली। चले जी, आपकी सवारी खत्म हो गई है। थैंक यू जानी, थैंक यू सो मच। अब बस इनको लगाने का काम है। आज सुबह तो खा लिए थे जी आलू के पराठे, उसके बाद ये चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। वैसे ही अपने किसी काम के लिए गए थे, बस एक काम करना था, लेकिन बस फिर उन्होंने कहा कि मुझे लिस्ट सेंड कर दो तो मैं साथ ही ग्रोसरी कर लाता हूँ। मुझे खैर ग्रोसरी वगैरह करके आ गए थे। आज ये हुआ था कि आज शाम को हम लोगों ने जाना था डिनर पर किसी के घर, तो मैंने कहा कि भाई सालन नहीं बनाती हूँ, इस तरह का कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ क्योंकि सारे नाश्ता भी हैवी किया हुआ है और रात को भी किसी के घर जाना है। तो मैंने झटपट से बना लिए थे जी दही भल्ले। और वैसे भी ये भलियाँ जब से मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ ना, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुई थी, मैंने चेक नहीं की थी कि ये कैसी हैं, बट खैर बहुत अच्छी बनी थी। तो जी मैंने खुले हाथ के बना लिए थे दही भल्ले। और ये प्रांत एक वाहिद चीज़ है खैर जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या कहते होंगे, हम लोग इसको प्रांत कहते हैं। तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी ना, मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब पहली दफ़ा आई थी ना, तो कुछ बर्तनों में एक तवा लेके आई थी मैं और एक ये प्रांत। तो ये मेरी स्टार्टिंग के बर्तनों से है, तो मुझे इसमें मिक्सिंग के काम करना ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुला बर्तन होता है ना, तो मिक्सिंग के काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैं पाकिस्तान से ये दो चीज़ें लाई हुई ना, मतलब एक ये तवा अपना लोहे वाला और ये प्रांत। तो जो लोहे वाला तवा है वो मैं नॉन स्टिक का भी ले चुकी हूँ, लेकिन मैं वो अपना लोहे वाला तवा अब तक नहीं छोड़ पा रही हूँ, मुझे वो यूज़ करना होता है ना। तो जी खैर बस ये दोनों मेरी काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं ठंडे ठंडे से दही भले बना के रख दूँगी फ्रिज में। ये देखिए जी, आज हम लोग जा रहे हैं दावत पे, यहाँ पे मैं लोगों की पिक्चर ले रही हूँ और ये लोग की पोज बना रहे हैं अजीब अजीब से। और जी मैंने पहना है आज ये ड्रेस, ये देखिए आज मैंने खुद न्यू पहना है फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कुर्ती है ये इस तरह करके, और साथ मैंने इसकी ना पटियाला शलवार पहनी है। वैसे तो मेरे पास ये इसका ट्राउज़र भी था, लेकिन मैंने फिर भी इसके साथ पटियाला शलवार पहनी है, बहुत प्यारी लग रही है। पटियाला शलवार ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्राउज़र की बजाय ना। तो जी ये देखें माशाल्लाह, अच्छा पिक्चर ले लूँ, लो भाई उनको लग रहा है मैं पिक्चर ले रही हूँ। अरशद के उज्जैन, शाबाश उज्जैन। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग दावत पर जा कहाँ पे रहे हैं। ये देखिए आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हम लोग दावत पे कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ये देखें जी, व्यू भी साथ में चेक कर लें। और ये है जी टावर, हमने जाना है इसके टॉप फ्लोर पे, आई थिंक सो टॉप फ्लोर है, मुझे खैर एग्जैक्ट इस वक्त पता नहीं है, बट खैर काफ़ी ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे हम लोग जाएंगे आज इंशाल्लाह। एक प्यारी सी फैमिली है, उनसे एक दूसरा पहले भी मुलाकात हुई है, तो आज उन्होंने इन्वाइट किया है क्योंकि उनकी एक छोटी सी बेटी भी है, तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हैं कि आज वो लोग जा रहे हैं तो उनके खेलने के लिए कोई है वहाँ पे ना। ये देखें जी, ये देखें इनके काम चेक करें, शूज़ पहन के सोफे पे नहीं जाते आयजा,
नीचे उतरे, वो कह रही है पता नहीं मामा बाहर क्या देख रही है। और ये जी हम निकल पड़े हैं इतने दूर के सफर के लिए जो कि है यहाँ तक। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रैफिक है लेकिन फिर भी मुझे सड़क क्रॉस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सड़क क्रॉस करना, स्पेशली बच्चों के साथ। तो दूर से गाड़ी आ जाती है, मुझे लगता है मैं कैसे क्रॉस करूँगी, वो जल्दी से मेरे पास आ जाएगी जैसे ना। और ये देखिए बच्चा पार्टी इनके साथ साथ, और हम मोबाइल लेके पीछे पीछे चलें जो ऊपर जाके मिलते हैं, 17 फ्लोर है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस आ गए, बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा रहा विजिट, जाके बातों में पता नहीं चलता टाइम का और वापसी का टाइम हो जाता है। आगे देखा है खैरियत से लोग दावत से वापस आते ही तलब हो गई थी कहवे की, क्योंकि ये ज़्यादा फुल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहवा पीने को बहुत दिन कर रहा था, तो जी खैर मैंने पानी रख दिया, दो मग उबलने के लिए रखते हैं क्योंकि कप जो है ना वो कप में नहीं हम लोग पीते कहवा, कहवा हम लोग मग में पीते हैं ना। थोड़ी सी पत्ती डाल के बस इसको बॉयल कर लूँगी। आजकल मैं ये वाला कहवा यूज़ कर रही हूँ, ये मैं कोई पाकिस्तान से लेके आई हूँ बस, पता नहीं खैर ये खुला हुआ कोई कहवा था, मतलब जब उनको कहा ना हमने कि कहवा बनाने वाले जो लीव्स होते हैं ना वो दे दें, तो उन्होंने हमें ये दे दिए थे, पास वाली शॉप से मैंने लिए थे, बड़ी शॉप है खैर वो वहाँ से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे दिए थे। तो टेस्ट मुझे इनका अच्छा लग रहा है आजकल, कलर तो बहुत प्यारा है, एक रेडिश सा कलर आता है इसका ना। तो जी खैर ये बॉयल हो रहा है तो कहवा पीते हैं, बस कहवा पी के सो जाएंगे। बच्चे मैं दिखाती हूँ कि अभी उन्होंने आते ही टॉयस पिला दिए हैं ना, ये देखें ये, मतलब इतनी रात को भी सबसे पहला काम इनका आते ही टॉयस पिलाना होता है ना, ये देखें चेक कर, बस ये कहवा पियेंगे और सो जाएंगे इंशाल्लाह ना। The next day. अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से शुरू हो गया नया दिन, और नाश्ता मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का सा किया था क्योंकि रात को भी ज़्यादातर हैवी खाया हुआ था और सुबह को मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ ब्रेड और चाय इस तरह का नाश्ता कर लिया था। इस वक्त हो गया था दोपहर के खाने का टाइम, मैंने चने हैं वो रात ही को भिगो के रख दिए थे क्योंकि पहले से प्लान था आज चना पुलाव बनाने का ना। अच्छा जी टमाटर इस तरह करके मैंने रखे हुए हैं क्योंकि इस बार भी मैं थोड़े ज़्यादा टमाटर ले आई थी ना, साथ ही इसमें नमक मिर्च वगैरह सिंपल से डाल दूंगी। अच्छा मैं इसमें एक चिकन क्यूब भी डालती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा ना इसमें चिकन का टेस्ट सा अच्छा लगता है, यखनी हो तो ज़रूर आप यखनी डालें, लेकिन चूंकि आज यखनी नहीं थी मेरे पास। कभी कभी मैं जब चिकन बॉयल करती हूँ ना किसी किसी भी मतलब स्नैक्स के लिए, किसी भी आलू के कटलेट्स वगैरह के लिए, तो फिर मैं उसका ना वो पानी बचा लेती हूँ, यखनी बचा के रख लेती हूँ, फिर वो इस तरह की चीज़ों में मेरे बहुत काम आ जाती है ना। खैर जिस वक्त मैंने एक चिकन स्टॉक का क्यूब डाल दिया था इसके अंदर, और ये देखिए मज़े मज़े के चावल हो गए हैं रेडी। अच्छा मैं ना इसको भी बिरयानी की तरह ना ऊपर से जो जो कुछ भी मेरे पास होता है ना, धनिया पुदीना वो कलर वगैरह वो सब कुछ डालती हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बेचारे का बहुत प्यारा सा रंग सा निकल आता है, और मुझे वैसे भी पुलाव का थोड़ा डार्क कलर पसंद है बनस्पत इसके के मतलब प्याजों का रंग बहुत कम होना। अच्छा मैं इस पर पाकिस्तान गई थी ना, तो मैंने इस तरह की दही ना एक दो स्ट्रीट फूड में भी खाई थी, और मुझे फिर पता चला कि मैं यूं की दही कब से बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये इस तरह करके बनाना कि पुदीने की चटनी वगैरह डाल के ना, तो प्याज बहुत बारीक बारीक काट के ना, तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ ना, तो जब मैंने वो स्ट्रीट फूड में एक दो दफ़ा खाई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि हाँ वाकई में कोई और भी बनाता है मतलब ये कॉमन चीज़ है ना। तो जी खैर मैं दही के साथ ना सॉरी चावलों वगैरह के साथ इस तरह की दही बना लेती हूँ तो बहुत ही मज़े की लगती है। एक दिन पहले जो आलू के पराठे बनाए थे ना, तो उसका थोड़ा सा मिक्सचर बना हुआ था, उसकी मैंने इस तरह करके आलू की टिक्कियाँ बना दी थी, लेकिन ज़ाहिर है वो एक दिन पहले का मिक्सचर था ना, तो आपको पता है वो थोड़ा सा पानी सा छोड़ देता है प्याज वगैरह ना, बट खैर फिर भी मज़े की बड़ी प्यारी मज़े की बन गई थी, और चावलों के साथ तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हो गया था रेडी, खैरियत से अपना खाना खा लिया था। इस वक्त मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि देखें 2-3 चम्मच ऑयल में ना मैं इतने ज़्यादा सारे मतलब तवा भर के जो वो है ना नगेट्स हैं वो फ्राई कर लूँगी ना। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैन भर के फ्राई ऑयल की लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कढ़ाही भर के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मेरे घर पे आ रहे थे थोड़े से मेहमान, उनके साथ बच्चे थे, उनकी फैमिली थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि बच्चे हैं तो ज़्यादातर एहतमाम फिर उन्होंने बच्चों के नस्बत से किया था, मेरे भी बच्चे थे उनके भी बच्चे थे,
तो वो सिर्फ मतलब मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो मैंने कहा कि चलें जी, बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर पसंद आएंगी, तो यहाँ मैं बच्चों की तैयारी कर रही थी। तो देखिए मतलब इतने कम ऑयल में इतने ज़्यादा सारे नगेट्स बन जाएंगे ना, और इस तरह के बिल्कुल भी मतलब ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा ना। चलिए जी, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपने चाय के साथ, जो कुछ मैंने सर्विंग करनी थी। चाय भी मैंने हल्की आंच पे बना के रख दी थी, मतलब बनने के लिए रख दी थी, ताकि कि जब वो आएँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि एक हम अकेले होते हैं, फिर साथ साथ में बच्चों को भी देखना, साथ साथ किचन में भी बार बार आना, फिर बातें वगैरह भी करना, क्योंकि सब काम खुद समेटने होते हैं। तो मैंने सारी तैयारी पहले करके रख ली थी, और जो चावल है ना, सॉरी चाय है ना, वो हल्की आंच पे रखती थी ना। इसके साथ ही ख़त्म करती हूँ मैं आज का व्लॉग। होप सो आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और मैं आज फिर से आपको कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी। मैं बता रही हूँ कि मुझे नाम याद रहते हैं, तो ख़ासतौर पर नाम याद करके मैं ज़रूर वेट करती हूँ कि आज उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो जी खैर, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा सारा याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।